क्या कह रही हो तुम? नेहा की उम्र से मंगनी हुई है, शादी नहीं कि उसके कमरे में जा पहुंची। मैं ये बेहूदगी हरगिज अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आ गए तुम लोग। जी, मैं आपके लिए फ्लाई। लगता है कि आज के दिन सारी बड़ी तैयार कर ली। मैंने कहा मामा, वो सारी शॉपिंग नेहा ने की है, वो भी अपनी मर्जी से। मजाल है मुझसे एक मशवरा भी मांगा हो। ऊपर से कहती है शुक्र आप मुझे साथ ले आए, क्योंकि मुझे किसी और की चॉइस के कपड़े पहनने की आदत नहीं है, हद है। शमाइला, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, उसे मनमानी से मना करना चाहिए था। पता नहीं कितने पैसे लुटाए हो तुम दोनों। बैंक से मैसेजेस आ रहे थे तुम्हारे बाबा को और मुस्कुरा रहे थे। भाई मैंने तो साफ कह दिया कि आपने नेहा को सर पर चढ़ा रखा है, अब वो हसरतें पूरी कर रही। नेहा को तो हाथों हाथ ले रहे हैं बाबा, उसकी पसंद से रूम डिजाइन करवाया जा रहा है, मशवरा लिया जा रहा है मोहतरमा से। नेहा से मशवरा? नेहा तुम्हारे साथ आई है क्या? उमर के रूम में है, इंटीरियर डिजाइन किया जा रहा है। मामा, ये नेहा बहुत चलाक लड़की है, बहाने से मेरे साथ यहाँ तक आई कि मामू और मुमानी को सलाम करना है, उनकी खैरियत पूछनी है, लेकिन आपसे मिलने की बजाय उमर के कमरे में घुसी पड़ी है। क्या कह रही हो तुम? नेहा की उमर से मंगनी हुई है, शादी नहीं कि उसके कमरे में जा पहुंची। मैं ये बेहूदगी हरगिज अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या? ओ हाँ, आप देखो, ये वाली जो वॉल है, इसके आगे मैंने सोचा है कि हम दोनों का बेड आएगा, किंग साइज। और ये जो जगह है, यहाँ पर ये पेंटिंग, उसकी तरफ देखो ना, इस पे से मैं सोच रहा हूँ पेंटिंग हटवा कर हम दोनों के खूबसूरत से वेडिंग पोर्ट्रेट्स लगवाए जाए। उमर, तुमने, आपने जो भी सोचा होगा परफेक्ट ही होगा। हाँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी हम दोनों के बारे में सोच लूं वो उतना परफेक्ट नहीं हो सकता जितना आप हम दोनों के बारे में सोच सकते हैं। मैं पता क्या चाहती हूँ? yeah. इस कमरे में हमारी मोहब्बत और रिश्त का बसेरा हो, बस। वो फिर वादा किया आपसे, वादा किया कि हम दोनों के रास्ते में सिर्फ प्यार, मोहब्बत और इज्जत होगी। वादा किया कि मैं हम दोनों के दरमियान कभी दूरियां पैदा नहीं होने दूंगा, मैं आपका दामन खुशियों से भर दूंगा। बड़ी बेगम साहिबा ना आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। जी बेहतर। चलो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना भी बेड बनवा लूँ उधर ही। तुम्हारा बेड रुकने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, क्या तुम्हें इस घर के तौर तरीकों का नहीं पता? और नेहा, तुम किस हैसियत से तुम उमर के कमरे में गई थी? अभी उमर से तुम्हारी मंगनी हुई है, शादी नहीं। और हाँ, अभी तुम्हारी शादी को कुछ दिन बाकी हैं, तो बेहतर होगा कि कुछ दिन यहाँ आना जाना बंद कर दो। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ये नेहा का अपना घर है और ससुराल होने से पहले इसके मामू का घर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शायद आप भांजी की मोहब्बत में ये भूल रहे हैं कि इस घर की रीत रिवाज को बहुत अहमियत दी जाती है, और हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की का ससुराल में चक्कर काटना अच्छा नहीं समझा जाता। मुझे अच्छी तरह से इन बातों का इल्म है, और नेहा भी इस घर के कायदे कानून को समझती है। ये अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि मैंने इसे बुलवाया है। मैंने इससे कहा था कि शुमाइला के साथ यहाँ आ जाए और उमर के कमरे में जाने की इजाजत मैंने ही दी थी, ताकि ये लोग
अपनी पसंद से डिजाइन कर ले। लेकिन इकबाल, नेहा पहले मेरी बेटी है और बहू बाद में, इसलिए कोई भी गलत बात सोचने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मामा मैं खुद यहाँ नहीं आना चाह रही थी, शुमाइला भाभी थक गई थी बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था ड्राइवर के साथ मुझे घर पहुंचा देंगे। कोई बात नहीं बेटी, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम ड्राइवर के साथ नहीं जाओगी, शामों को तुम्हें घर छोड़ के आना होगा, जाओ। जी बाबा मैं छोड़ देता। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.